ये फ्रेंड फैंस श्वेता वर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ उसी स्वीटी के प्रोडक्ट्स को लेके, जो कि मुझे फाउंडेशन कुछ टाइम पहले अभी ये रिसीव हुए थे और मुझे इस फाउंडेशन के बारे में बात करनी थी। एक्चुअली उसकी जो पैकेजिंग जो थी वो इस तरीके से आई है, जो कि इसके 6 फाउंडेशन थे वो इस तरीके से एक पेपर फॉर्म में इसकी पैकेजिंग आई है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्मूथ फाउंडेशन है, बहुत ही ब्यूटीफुल से हैं। जो इनकी पैकेजिंग है वो इस तरीके से है, और जो मुझे इसका जो ट्यूब फॉर्म का जो ये लगा, मुझे ये बहुत पसंद आया, क्योंकि जितनी क्वांटिटी चाहिए इतनी आपको मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है और बहुत ही सॉफ्ट है। मतलब स्किन पे लगाने के बाद आपको इतना सारा सामान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, मैंने अपने आगे वीडियो में कलर करेक्टर लगाया है, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उसको हाइड करके लगाना पड़ा, क्योंकि डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो गए थे, डार्क स्पॉट्स भी मेरे पास बहुत सारे हो गए थे, तो मुझे थोड़ा सा सेटल करने के लिए सब चीज़ें करनी पड़ी। लेकिन हाँ, अगर मैं इस फाउंडेशन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्मूथ फाउंडेशन है, जो इसकी पैकेजिंग मुझे इस तरीके से बहुत अच्छी लगी। ये मुझे 6 फाउंडेशन इस तरीके से रिसीव हुए हैं और सभी फाउंडेशन बहुत बहुत अच्छे हैं। और मतलब हर स्किन के हिसाब से है, किसी में कम ज़्यादा है, पर लेकिन जिसमें ज़्यादा है मैंने उसे कंसीलर का काम बहुत अच्छा से कर लिया है, क्योंकि मेरे पास इस ब्यूटी का ना तो कोई फाउंडेशन था, ना ही मेरे पास कोई कंसीलर था, बस मेरे पास एक आई शेडो किट थी और आई थिंक एक लिपस्टिक और लिप पेंट, जो कि बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पर आपको मिल जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट में अच्छा खासा मिल जाएगा। तो ये तो थी स्विस ब्यूटी की कुछ प्रोडक्ट्स की बात। लेकिन जितने भी कलर है इसके पास, मेरे पास 6 कलर इसके आ रखे हैं, 6 वेरिएंट आ रखे हैं फाउंडेशन के, वो आगे मैं वीडियो में दिखा दूँगी अपनी चिक्स पे लगा के कि मेरे फेस पे कौन सा जा रहा है और कौन सा नहीं। सभी स्किन टोन के हिसाब से ये सभी कलर है मेरे पास, और मतलब बहुत ही अच्छा है। आगे फीडबैक मैं मतलब बता रही हूँ, आगे जो वीडियो में आप देखेंगे तो कलर बहुत अच्छा स्मूथली, मैंने कोई ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं करा है, इस तरीके से अपना स्मूथली इसको स्प्रेड कर लिया है, और जिससे फाउंडेशन को स्प्रेड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत अच्छे से आपका फाउंडेशन लगा रहेगा। और सबसे अच्छी बात है, लॉन्ग लास्टिंग है, तो आप 5 से 6 साल इसको लगा सकते हैं। अगर हाँ आप ऑफिस गोइंग है तो उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, तो ये आपका 8 आवर्स तो अच्छा खासा सेटल कर ही देगा आपके फेस के बेस को, बहुत अच्छे से आपके फेस पे रहेगा। और इसको मतलब ये भी नहीं कि आप अगर आप फेस धो भी लेंगे तो उसके बाद भी ये सेटल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब स्मूथ है और अच्छे से फेस पे सेटल रहता है। तो आगे वीडियो में देख लेंगे कि कौन सा कलर मेरे फेस पे क्या है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ गार्नियर का क्लिनजिंग वाटर, जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में यूज़ करती हूँ मेकअप से पहले, तो ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है और सबसे अच्छी बात है बहुत ही रीजनेबल है, तो इतना लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वही थोड़ा सा शेक करा और उसके कुछ से ड्रॉप अपने फेस पे लगा लिए। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ FSAS का ये फेस हाइड्रेटर, जो कि बहुत ही स्मूथ रखता है आपकी स्किन पर और इसकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये पंप फॉर्म में है, इतना बहुत रहेगा। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ जैकलिन का ये प्राइमर, जो कि बहुत ही अच्छा और सबसे अच्छी बात है बहुत रीज़नेबल है, और ये थोड़ा सा सिलिकॉन बेस पर है, तो प्राइमर मैं हमेशा थोड़ा सा लगाती हूँ और अपनी नोज़ एरिया को अच्छे से पे लगाती हूँ, ताकि ये कोई भी पोर्स या फिर कुछ भी रफ ना रहे। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी के ये सभी फाउंडेशन, जो मोस्ट फाउंडेशन है जो मुझे रिसीव हुए थे हाल फिलहाल। तो उसकी मुझे अगर मैं पैकेजिंग की बात करूँ तो पैकेजिंग मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी, और सबसे अच्छी बात है जो इसका फॉर्मूला है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको लगाने के बाद किसी भी कंसीलर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ इसमें जो सभी फाउंडेशन है जो मुझे रिसीव हुए हैं इसको मैं एक एक करके मैं लगा दूँगी, जो मेरी स्किन पर जो जाएगा मैं उसी का यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन कंसीलर का काम भी मैं इसी फाउंडेशन को ही यूज़ करने वाली हूँ। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का ये 01 शेड, जो कि है आईवेरी कलर और बहुत ही वाइट बेस है, और जो कि हमारा एक कंसीलर का काम ये बहुत अच्छा सा करेगा, तो मैं इसको यूज़ करूँगी और इसको मैं अपनी ब्रश की हेल्प से, तो ये तो नहीं जा रहा मेरी स्किन पे, तो नेक्स्ट मैं यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ रोज़ ब्लश करके स्विस ब्यूटी का ये, और 02 इसका जो नंबर है वो, और इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये भी बहुत ही वाइट है, जो कि मेरी स्किन पे बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ ये स्विस ब्यूटी का ये नेचुरल बेज कलर, जो कि इसका नंबर है 003,
और इसको भी मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने ब्रश की हेल्प से। मुझे लग रहा है ये कलर मेरे फेस पर डेफिनेटली जाने वाला है। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का ये 04 कलर, जो कि है इसका नाम नेचुरल बीज कलर, और मुझे लगता है ये भी कलर शायद मेरी स्किन पे जाने वाला है। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का ये 05 कलर, जो कि कलर है मीडियम बेज कलर, और जो इसका कलर है वो बहुत ही अच्छा है, इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ 06 जो कि है बीच कलर, और सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का ही 02 नंबर, जो कि है रोज़ ब्लश करके, जो अपनी आईज़ पे मैं कंसीलर का काम करने वाली हूँ इस पर। और सबसे अच्छी बात है ये एक कंसीलर का काम भी अच्छे से करेगा, बहुत ही अच्छा स्मूथ फाउंडेशन है जो आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट रखता है, और इतना सारा ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको बहुत सारा ब्लेंडिंग की ज़रूरत पड़ रही है और उसके बाद आपका फेस में फाउंडेशन में ढंग से स्प्रेड नहीं हुआ है। तो ये सबसे अच्छी बात है, मोज़ है, और ये मैंने एक कॉलेज टाइम पे मैंने इसको लास्ट यूज़ किया होगा जो कि एक लैकमे का था, और उसके बाद मैंने ये अब ये यूज़ करे हैं मोज़ कलर, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मूथ है। नेक्स्ट मैं अपने आई मेकअप के लिए मैं रोज़ ब्लश करके 02 नंबर का यूज़ करने वाली हूँ, बहुत ही स्मूथ कलर है। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का ये लूज पाउडर, जो कि वाइट कलर में है, और सबसे अच्छी बात है मुझे ये इसका एप्लीकेटर तो मेरा इसका नहीं है, मैंने अलग से मंगवाए थे, तो ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा इसका एप्लीकेटर, जिसके कॉर्नर्स एरियाज होते हैं बहुत अच्छे से कवर करता है ये। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी की ये आई शेडो किट, जो कि इसके कलर मुझे बहुत बहुत पसंद है, और बहुत ही रीज़नेबल होने के बाद भी इसका पिगमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरीके से, और बहुत ही अच्छे कलर हैं इसके। फर्स्ट में यूज़ करने वाली, वैसे इन कलर्स पे कोई नाम तो नहीं दे रखा है लेकिन कलर्स बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले मैं पिक करने वाली हूँ ये एक ऑरेंज कुछ कलर है, जो कि मैं क्रीज लाइन से डेवलप करने वाली हूँ अपनी। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ ये डार्क पर्पल कलर, जो कि मेरे ब्लू स्वेटर से एकदम मैच कर रहा है, मुझे बहुत पसंद आया ये वाला कलर, इसका पिगमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ ये गोल्डन कलर, जो कि इसका पिगमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका गोल्डन बहुत ही अच्छा कलर है। जो कि इसका कलर मुझे ये वाला मुझे बहुत पसंद है, इसका ब्रश मुझे बहुत अच्छा लगा, और नेक्स्ट के लिए मैं इसको इस तरीके से लगा लेती हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ इनसाइड का ये कलर करेक्टर, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए मैं अपना ये ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करने वाली हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का ये 03 नेचुरल बीच कलर, जो कि मेरी स्किन पर एकदम जा रहा है, और मुझे ये बहुत पसंद आया, और सबसे अच्छी बात है आपको इतना ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है ये।
नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का ये लूज पाउडर, जो कि मुझे अभी मैंने अपने अंडर आई एरियाज़ पे और वगैरह हर जगह पे लगा लिया है, जो कि एक लॉकिंग का काम बहुत अच्छा सा करता है। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ शुगर की ये कंटूरिंग और ब्लश की ये किट, और जिसका मैं ब्लश यूज़ करने वाली हूँ मैं नेक्स्ट यूज़ करने वाली हूँ प्लम का ये काजल, जो कि बहुत ही पिगमेंटेड है। नेक्स्ट यूज़ करने वाली हूँ लोरे पेरिस का ये मस्कारा, जो कि है वॉल्यूम बहुत अच्छा है इसका, और जो लगाने के बाद इसकी एक स्ट्रोक के बाद लैश आपकी बहुत अच्छी हो जाती है इस तरीके से। नेक्स्ट यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का ये आई वाली पेंसिल, जो कि इसका जो कलर है वो है बॉबी ब्राउन करके, बहुत ही अच्छा कलर है, बहुत ही न्यूड कलर है एक्चुअली। हे गाइस, ये है मेरा आज का लुक जो कि मैंने स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स के साथ मैंने यूज़ करा है। बहुत कम से मेरे पास एक्चुअली स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि मतलब हर ब्रांड का सभी प्रोडक्ट्स हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो नहीं होता है इतना। मैं अलग अलग, मुझे लगता है कुछ अच्छा और रीजनेबल है तो मैं उसे पिक कर लेती हूँ। लेकिन ये मुझे रिसीव हुए थे कुछ फाउंडेशन जो कि 6 वेरियंट थे इसके, और मैंने सभी कलर्स बहुत अच्छे से आपको दिखाए थे, जो कि मेरे फेस पर जो जा रहा था मैंने वही अपने फेस पर करा था। लेकिन हाँ, लगाने से पहले मैंने कलर करेक्टर का अच्छा खासा यूज़ करा है अपने फेस पर, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा है तो मुझे स्किन भी पड़ती है, तो मैं यूज़ करती हूँ कलर करेक्टर का। तो ये थे मेरे आज के जो मैंने अपना मेकअप का जो मुझे करना था, जो मेकअप फाउंडेशन एक्चुअली मुझे दिखाने थे, जो कि मोस्ट फाउंडेशन है जो कि उसको स्प्रेड करने में इतना टाइम नहीं लगता है, बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हो तो आप उसका अच्छा खासा यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेकअप स्प्रे के साथ, क्योंकि ताकि अच्छे से सेटल होने में और उसको स्प्रे करने में आपको दिक्कत ना रहे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बाय।